A very good morning, student. Myself Sandhya Rai. I am going to teach Moral Science, Chapter 3, When Villagers Saw the Heavens. When means जब, villagers means गांव के लोग या नागरिक, saw means देखा, heaven means स्वर्ग. तो जब गांव के लोगों ने स्वर्ग को देखा, इस स्टोरी में हम यह जानेंगे कि इन दिस स्टोरी वी विल लर्न हाउ बिल्लू यूज हिज इंटेलिजेंस एक्ट टू मेक अदर विलेजर्स फूल. इस स्टोरी में हम बिल्लू कैसे अपनी बुद्धिमानी से मेक अदर विलेजर्स फूल, दूसरे गांव वालों को मूर्ख बनाता है. ऑल द विलेजर्स बिलीव्ड हिम, सारे गांव वाले उस पे विश्वास करते हैं. एंड रिपेंडेड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है यह हम इस स्टोरी में देखेंगे. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फूल इन अ विलेज. एक समय की बात है कि देयर लिव्ड अ फूल इन अ विलेज. एक मूर्ख एक गांव में रहता था. हिज नेम वॉज बिल्लू, भीलू. उसका नाम क्या था? भीलू. भीलू यूज टू डू सम फुलिश एक्ट एवरी नाउ एंड देन एंड एज अ रिजल्ट सफर. भीलू यूज टू डू सम फुलिश एक्ट. वह हमेशा कुछ न कुछ ऐसी मूर्खतापूर्ण काम किया करता था और बाद में उसका उससे वह परेशान होता था. उसका रिजल्ट क्या होता था कि वह परेशान होता था. ओकेजनली ही वुड ब्रेक हिज लेग्स आर हर्ट हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ हिज फुलिश डीड्स. ओकेजनली हम कभी कभी वह क्या करता था, ही वुड ब्रेक हिज लेग्स, कभी वह अपने पैर तोड़ लेता था. आर हर्ट हिमसेल्फ, या अपने को ही नुकसान पहुंचाता था. ऑन अकाउंट ऑफ हिज फुलिश डीड्स, अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों से. वन डे विलू प्रेस्ड नीडल्स इन बोथ हिज आईज. एक दिन भीलू ने क्या किया, अपने दोनों आंखों में नीडल मीन्स क्या होती है, सुई, प्रेस्ड मीन्स चुभो लिया. एज अ रिजल्ट ही बिकेम ब्लाइंड एंड वॉज अनेबल टू सी एनीथिंग अराउंड. और उसका परिणाम क्या हुआ कि वह अंधा हो गया और अनेबल टू सी, और वह देख नहीं पा रहा था. एनीथिंग अराउंड, कुछ भी चारों तरफ कुछ भी देख नहीं पा रहा था. सून ही रिलीज्ड दैट ही हैड वंस अगेन परफॉर्म्ड अ फुलिश एक्ट. तुरंत ही उसने रियलाइज्ड किया, उसने महसूस किया कि उसने दोबारा से एक मूर्खतापूर्ण कार्य कर लिया है. He was now afraid that, अब वह डरने लगा कि people would laugh at him, कि लोग उस पे हंसेंगे. He started thinking, और वह सोचना शुरू किया. What shall I tell other people, कि अब वह दूसरे लोगों से क्या कहेगा. Very soon he got an idea, और बहुत ही जल्दी उसको एक विचार आया. नेक्स्ट मॉर्निंग अनेबल टू सी एनीथिंग, अगले दिन वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था. ही वॉज पासिंग थ्रू द लैंड्स होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड, और ही वॉज पासिंग थ्रू द लैंड्स होल्डिंग अ स्टिक. लेंस लगी हुई एक स्टिक अपने हाथ में लिया. Suddenly he was surrounded by a lot of people. और फिर suddenly means अचानक. He was surrounded by a lot of people. और वह बहुत सारे लोगों से घिर गया. A lot of people means ढेर सारे लोग. गो से घिर, surrounded means घिर गया. Bilu, what happened? लोगों ने क्या पूछा उससे, Bilu क्या हुआ, what happened? Everyone was questioning him. सब लोग उससे प्रश्न पूछ रहे थे. An old man asked him. एक बूढ़ा आदमी बोला, भीलू हैव यू बिकम ब्लाइंड, भीलू क्या तुम अंधे हो गए हो. वाई आर यू मूविंग विथ अ स्टिक इन योर हैंड, क्यों अपने हाथ में यह छड़ी पकड़े हुए हो.
भीलू Who was ready to answer the question? भीलू जो कि तैयार था इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए. Replied, Oh, you see, I pressed needles in my eyes. Oh, you see, क्या तुम देख रहे हो? I pressed needles in my eyes. मैंने अपनी आँखों में सुई चुभोई. It is not that I have become blind. और इससे मैं अंधा नहीं हुआ. Now I can see the heavens. अब मैं स्वर्ग को देख सकता हूँ. The heavens now. How is that possible? Heavens स्वर्ग? नहीं, यह कैसे मुमकिन है? Asked someone. लोगों ने पूछा. From the crowd. उस भीड़ में कुछ लोगों ने यह कहा कि नहीं, स्वर्ग यह कैसे संभव है? भीलू replied. बिलू ने उत्तर दिया, यस आई कैन सी द हेवेंस नाउ. हाँ, अब मैं स्वर्ग को देख सकता हूँ. प्रेसिंग नीडल्स थ्रू माई आईज, मैंने अपनी आंखों में नीडल को चुभोया. हैज गिवन मी दैट पावर, और मेरे पास एक शक्ति आ गई. पीपल डिड नॉट बिलीव भीलू, और लोग उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे. बट एवरी डे भीलू केप्ट रिपीटिंग द सेम, लेकिन भीलू हमेशा एवरी डे रोज यही बात दोहराता था. इन वर्ड्स इन ऑर्डर टू अवॉइड पीपुल लाफिंग एट हिम, भले ही लोग उस पर हंसते थे लेकिन वह इसी बात को बार बार दोहराता था. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. इसके आगे के पैराग्राफ को हम इसके अगले वीडियो में कवर करेंगे. आज के लिए इतना ही.